अपना यहाँ नहीं रहोगे। मैं बस अपना सामान पैक करने आई थी। क्या, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाओगी। ये घर छोड़कर नहीं, ये कमरा छोड़कर जा रही हूँ। तो फाइनली यहाँ पर कृष्णा के सामने आर्यमन और मोहिनी का उस दिन रात का सच सामने आ गया। और यहाँ पर आर्यमन बोलता है कि भाई मुझे याद कुछ नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन ये मोहिनी बोल रही है। और पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो। मैं खुद को समझदार समझती थी, देखिए ना कितने पागल कर दिया है आपने मुझे। वहीं पर रिपोर्ट्स वगैरह भी आ जाती है, टेस्ट वगैरह भी करा लेते हैं और पता लग जाता है कि भाई ये आर्यमन का बच्चा है। अब असली में तो मोहिनी भाई प्रेग्नेंट नहीं है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन ईशा देख रहे हैं। हटूंगा मैं पीछे। अंश, ईशा जाओ यहाँ से। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, रुको। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी, हटो पीछे। नहीं हटूंगा मैं। यहाँ पर सिर्फ नाटक कर रही है आर्यमन और कृष्णा के बीच में दरार पैदा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो कृष्णा है ना, वो भाई शादी कराना चाहती है मोहिनी और आर्यमन की। और ये सुनकर ना मोहिनी को समझ बहुत हो गया। ये क्या कोई चीज हो क्या? मन किया तो रख लिया, मन भर गया तो किसी और को दे दिया तुमने। और क्या मैं कोई खिलौना हूँ? और क्या तो प्यार किया और मन भर गया तो? समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मोहिनी के सामने ना कृष्णा और आर्यमन की एक अलग ही छवि बनी हुई थी। उसको लग रहा था कि भाई ये तो गलत है, और किस तरीके से ऑपरेशन के टाइम ना खिलौना ढूंढ लिया। आपको क्या लगता है ये सब करके मुझे खुशी मिल रही है? हर पल मैं टूट रही हूँ, लेकिन फिर भी खुद को समझाती हूँ। वो भाग गई थी यहाँ पर आर्यमन के साथ, तो क्योंकि सिद्धार्थ ने जैसा मोहिनी को बताया था वैसी वो कर रही थी। अब क्या होता है, अब वो सिद्धार्थ के पास आती है और बोलती है कि भाई ठीक है, अब तुम मुझसे शादी कर लो। मैं नोट कर पे घर जाती हूँ, और ये सब करने के लिए आपने मुझे मजबूर किया है। आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम इन दोनों को अलग कर दोगे तो तुम मुझसे शादी करोगे, और यहाँ पर सिद्धार्थ मना करते थे कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अब ये हमें पता ही ना, सिद्धार्थ ने उसको यूज मोहिनी और उसके बच्चे की जिंदगी में बर्बाद कर दूं। और आपको क्यों तकलीफ हो रही है? इसीलिए ये सब किया था ताकि किया है, कोई शादी वादी तो करना नहीं चाहता था। वो सिर्फ मोहिनी को यूज करके आर्यमन और कृष्णा के बीच में दरार पैदा करके उसको घर से बाहर निकालना चाहता था, और वही हो गया। अब यहाँ पर भाई सिद्धार्थ तो मना कर रहा है, और यहाँ पर जो मोहिनी है वो उसको ना एक्सपोज करने की धमकी दे रही है। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या मोहिनी भाई एक्सपोज कर पाएगी सिद्धार्थ को, और क्या सिद्धार्थ का सच सामने आ पाएगा। और जब सिद्धार्थ का सच सामने आएगा तो क्या आर्यमन और कृष्णा के बीच में जो दरार थी वो खत्म हो जाएगी।